तो गाइस जब मैं विला में आई थी ना, देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मैंने कंपेयर किया कि मुझे लगा यार होटल इज बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे हमें सर्विसेज मिलती है, स्टाफ रहता है, दूसरे लोग होते हैं, एम्बियंस होता है, माहौल होता है। उसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें कंपेयर की, मुझे लगा नहीं यार हमें होटल में जाना चाहिए। अब जब होटल ढूंढ रहे हैं, रूम ढूंढ रहे हैं, तो मुझे वापस लग रहा है नहीं यार विला इज बेटर ना, बिकॉज वहाँ पे हमारी लाइक फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है, इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती चल रही है। अब होटल का रूम एक इधर मिल रहा है, उधर मिल रहा है, उधर मिल रहा है, एक रूम से दूसरे रूम तक जाने के लिए सोचना पड़ेगा, फिर हमें बार बार उतर के जाने के लिए सोचना पड़ रहा है। और विला में इतना अप्रोचिंग है हर चीज़ें, बिल्कुल स्कूटी उठाई अंदर से ही सीधा निकल गए, बिल्कुल रोड साइड है। तो नाउ वी आर लुकिंग फॉर द विला अगेन, और बहुत सारे ढूंढने के बाद, बिकॉज वीकेंड है ना, तो अभी थोड़ा बहुत कम पॉसिबिलिटी है। तो अभी हम आए एक विला में, मैं दिखाती हूँ। ओ भाई इसको क्या हो गया है? और हम पहुंच चुके हैं, कोई है नहीं, ऑल द थोड़ा आउटर लोकेशन पे है, बट विला इज ओके, कूल लग रहा है। भैया आ रहे हैं, लेट्स सी, अगर बात बन गई तो हम इसे फाइनल कर देंगे, बिकॉज ऑलरेडी हमारा आधा दिन वेस्ट हो चुका है विला ढूंढने में। बड़ा ला देख, मतलब इनको कुछ दिखे ना दिखे, अपना पूल बढ़िया दिखना चाहिए। मास्टर को मैं ले लूंगी। हाँ से करो। ओए पागल, ये भी रूम है, हाय ये भी ठीक है रूम। हाँ वो भी पागल, सिर्फ दो ही छोटा। क्लोजेट भी बना रखा है स्वीटी, क्लोजेट है, बार भी है भाई, रहने के लिए तो बहुत सुंदर है। विला हमने लिया या नहीं लिया ये तो ऑलरेडी आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि विले का टूर तो मैं बना ही चुकी हूँ। तो फाइनली हमने फाइनल कर दिया ये वाला विला, और इसके बाद हम पहुंच गए हैं टीटोज लेन। टीटोज लेन के बाद हम पहुंच चुके हैं ऐसे रेस्टोरेंट में जो बिल्कुल बीच व्यू है। तो ऐसा कहा जा रहा था कि यहाँ पे पार्टी गोइंग ऑन है, और एंट्री चार्ज 500 रुपीज पर हेड है। बट अंदर आने के बाद मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कोई पार्टी जैसा चल रहा है। बट हाँ, इस रेस्टोरेंट का जो व्यू था वो बहुत ही सुंदर था, एकदम बीच व्यू था। तो सबसे पहले हम अंदर जाने से भी पहले नहाने के लिए कूद गए, क्योंकि यहाँ का जो स्विमिंग पूल है वो बहुत ही प्यारा है। कह रहा है लग जाएगी, पहले बता दी बहुत तेज कह रहा है, डूब जाएगी भगवान का। देखो घटो में जान बचा के साइड हो रहा है। भी रो रहा है, विधांश भी रो रहा है। वैसे रो किस बात कर रहे हो तुम दोनों? बसिल गाना देख ले, तू भी रो पड़ेगी। भाई ने ना एक सॉन्ग दिखाया जो डॉग की रियल लाइफ पर बना हुआ है, तो ये दोनों देख के ना इतने इमोशनल हो गए, इमोशनल मैं भी हो गई थी, बट आई कंट्रोल्ड माय इमोशंस, और इन्होंने तो क्राई करना ही स्टार्ट कर दिया। ओह माय गॉड यार, सच में बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, बहुत ही प्यारा था, मतलब कोई भी देखेगा तो उसकी आंखों में आंसू तो पक्का आने वाले ही है। खाने का मन किया तो वी ऑर्डर फ्रेंच फ्राइज एंड चिली पटेटो। चिली पटेटो तो बिल्कुल भी चिल्ली वाले थे नहीं, बहुत बहुत स्वीट थे। और उसके बाद सबसे अच्छी बात क्या लगी, इसके अंदर बहुत सारी साबुत गार्लिक थी, लहसुन भरी हुई थी। शनि बाजार जाने से पहले यहाँ नींद आ गई है, मम्मी तैयार बैठी है, मम्मी को कोल्ड हो गया है, ये वैसे रेडी हो गई है। ये रियल टाइम है, यहाँ 6 बार आके भी तमन्ना में पूरी नहीं कर पाई थी, तो सबसे पहले इसे पूरा कर लिया जाए।
यस मम्मी पापा को सैटरडे मार्केट से घर ड्रॉप करके वी आर गोइंग थ्रू द टिटोज लेना। अभी कहाँ जा रहे हैं आई डोंट नो एक्जैक्टली। रास्ते में हमें एक इवेंट दिखाई दिया, जब हमने उतर के इवेंट के बारे में पूछा तो हमें पता चला कि यहाँ पे स्टेबिन बेन आए हुए हैं। मुझे मालूम नहीं था एक्जैक्टली कि वो कौन है, तो भाई ने मुझे उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ किया कि इज अ पॉपुलर सिंगर और इनके इंस्टाग्राम पे 11+ मिलियन फॉलोअर्स है। देन आई गॉट वेरी एक्साइटेड कि मुझे अंदर जाना है। उसके बाद हमने काउंटर पे एंट्री टिकट पूछा तो उन्होंने 1000 रुपीज का बोला। देयर इज अ गाय जो हमें ऑब्जर्व कर रहा था बाइक पे काफी देर से, उसने हमें अपने पास बुलाया। ही सेड कि ही हैज द पासेस। उसके बाद हमने बोला कि दे दो भाई अगर पासेस है तो उससे हमने वो पासेस लाइक 1000 का जो हमें मिल रहा था काउंटर पे वो हमने परचेज किया ओनली हार्डली 150 रुपीज का। लाइक ओ वाओ मजे आ गए ना। तो हमने इवेंट अटेंड किया, लाइक बहुत मजा आया यार, बहुत चिल था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुझे इस इवेंट पे सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा यार, उनकी लेवल ऑफ एनर्जी। उन्होंने 7 या 8 मेरे सामने गाने गाए और नॉन स्टॉप और इतनी फुल ऑफ एनर्जी से, मतलब यार मजा ही आ गया देख के गाइस।